बीएसएससी पेपर लीक पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ईओयू इस मामले में गहनता से जांच कर रही है, मामले में जल्द कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि पेपर लीक कांड में अभी तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके साथ ही प्रश्न पत्र पर फोटो खींचने वाला सुपौल का परीक्षार्थी अजय भी ईओयू की गिरफ्त में आ गया है। टीम के द्वारा मोतिहारी, सुपौल और पटना में अब तक कई जगह छापेमारी की गई है। टीम की गिरफ्त में आए व्यक्तियों में 2 सगे भाई हैं, जबकि एक परीक्षा सेंटर का इनविजिलेटर है। वहीं बताया जा रहा है कि चौथा पकड़ा गया शख्स 2 सगे भाइयों को मददगार है। ईओयू द्वारा की गई प्रारंभिक वैज्ञानिक जांच में पता चला कि प्रश्न पत्र सबसे पहले मोतिहारी से वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि पेपर वायरल करने का आरोपी अजय का परीक्षा सेंटर मोतिहारी में था। वो किसी तरह छुपाकर परीक्षा सेंटर में मोबाइल लेकर गया। वहाँ उसने प्रश्न पत्र मिलने के बाद उसका फोटो लिया और बाहर अपने दोस्तों को भेज दिया। इसके बाद बड़े आराम से परीक्षा के तुरंत बाद मोतिहारी छोड़कर सुपौल भाग गया। बाद में ईओ की टीम जब जाँच करते हुए स्कूल में पहुँची और सीसीटीवी कैमरे को चेक किया गया तो अजय की हरकत उसमें दिखी। इसके बाद टीम ने उस पर अपना शिकंजा कस दिया। इस मामले में सवाल मोतिहारी के शांति निकेतन जुबली स्कूल पर भी रहे हैं। यहाँ के इनविजिलेटर एसएन ज्योति हैं, इन्हें भी टीम ने हिरासत में लिया है। इस पूरे मामले में उनके संदिग्ध रोल को भी खंगाला जा रहा है। हिरासत में लिए गए सभी लोगों से भी पूछताछ की जा रही है, मामले में अभी जांच जारी है। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया, नमस्कार।